हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं पेसिफाइड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज आप सीखने वाले हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको पहले दिखाता हूँ, प्रीव्यू मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इसे डबल क्लिक करके रन कर लूँगा। कुछ इस प्रकार से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो लोडिंग लेगा। जैसे ही हमारा प्रोग्रेस बार 100% हो जाएगा तो लॉगिन पेज हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर जब रन होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करने के लिए आ चुका है लॉगिन पैनल हमारा। तो मैंने यहाँ पर अगर सही यूजर नेम लिखता हूँ तो ये लॉगिन होगा, और नहीं लिखता हूँ तो ये लॉगिन नहीं होगा। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने जो बनाया सॉफ्टवेयर है, ये टोटली आपका ऑफलाइन चलेगा। इसका इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है कि इंटरनेट के थ्रू चलेगा, तो जिसको भी हम इसे प्रोवाइड करते हैं तो वो बिना इंटरनेट के चला सकता है। तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अगर मैंने माना गलत पासवर्ड लिखा तो ओके करके देखेंगे कि हमारा जो रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है, रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके करते हैं, ऑटोमेटिक ये ब्लैंक हो जाएगा और हम फिर से इसमें न्यू सिस्टम जो हमारा लॉगिन सिस्टम है उसे एंटर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया, तो हम यहाँ से पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। जो हमने पासवर्ड को बनाते समय प्रोवाइड किया है वही पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है। तो मैंने यहाँ से लॉगिन किया अगर, तो आप यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे और आपका जो है लॉगिन पेज ये आ जाएगा स्टूडेंट्स का। तो हमने लॉगिन के बाद जो पेज डिफ़ॉल्ट किया है वो स्टूडेंट्स के लिए किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब यहाँ शुरू करता हूँ कि मुझे एक स्टूडेंट्स को एंटर करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल मैंने संजय या सिंह ले दिया। अब ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप। तो मैंने फ़िलहाल अभी टेम्प्रेरी अगर देखा जाए तो मैंने बहुत कम फीचर्स दिए हैं। अगर आप वीडियो को पूरा समझेंगे देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो लेकर आएंगे इसके अंदर फुल्ली फीचर्स लेकर आएंगे। जैसे आप देखेंगे कि हमारे पास अभी ओनली ऑप्शन 4-5 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे हम स्टूडेंट्स की, तो यहाँ क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ हमारा कैलेंडर आ जाएगा। तो हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने फ़िलहाल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आपका 99 आपका। तो यहाँ मैंने क्लिक करा, कोविड डेट सेलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल, और आप यहाँ ले लेंगे फ़ोन नंबर। नेक्स्ट हमारा ये स्टूडेंट्स हमारा बीटेक कर रहा है CS या ये BSc कर रहा है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास फिलहाल दो डिपार्टमेंट हैं, अगर हमें और भी ऐड करने हैं तो हमें यहाँ क्लिक करना होगा। चलिए दोस्तों, वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं। तो मैंने बीटेक को किया और यहाँ इसकी फ़ीस हमने 1 लाख कर दी। तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक करना है। आप देखें कि आपके स्टूडेंट्स की एंट्री यहाँ ऑटोमेटिक हो चुकी होगी। आप ये देख रहे होंगे कि 6 नंबर से शुरू है, क्योंकि हमने 5 नंबर तक एंट्री करके डिलीट कर दिया है और 7 नंबर को डिलीट कर दिया है, इसके लिए ऐसा हो रखा है। तो माना अगर हमें और भी ऐड करना है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ से फिर से लेता हूँ ऐड करने के लिए, फिर से हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ मैं कहता हूँ आपका अक्टूबर, और यहाँ मैंने फ़ोन नंबर एंटर कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ BCA कर देते हैं, तो यहाँ मैंने क्लिक करा कि कितनी फ़ीस है, तो मैंने यहाँ से 50,000 को सेव कर दिया। तो ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से एंट्री हमारी यहाँ होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अगर माना हमें देखना है कि नो ड्यू लिस्ट कौन सी है, तो देखेंगे इन पर कोई अमाउंट बाकी नहीं है। एंड अगर हमें देखना टोटली हमारा क्या है सॉरी, तो यहाँ करके देखेंगे कि हमारी एंट्री शो करा रही है इस प्रकार से टोटली। अगर हमें अपडेट करना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे उसके लिए, तो यहाँ देखेंगे अपडेट कर सकते हैं। तो लेकिन चलिए दोस्तों, हमें क्या देखना है कि हमारे पास स्टूडेंट्स कितने ऐड हुए हैं। तो यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे पास 4 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, टीचर हमारे पास एक है एंड डिपार्टमेंट हमारे पास 2 हैं, और फीस जो हमने टोटली कलेक्ट की है अब तक वो हमारी 1 लाख है। अगर मैं अभी और ऐड करता हूँ तो बताएंगे कैसे ऐड करेंगे। फिलहाल आते हैं डिपार्टमेंट पर, तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे आपका BSc। तो मैंने यहाँ से BSc दिखा दिया। अब BSc का आप जो पूरा नाम है वो लिख देंगे, बैचलर ऑफ साइंस। तो मैंने यहाँ से बैचलर ऑफ साइंस ठीक है लिख दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि कितने ईयर का है, तो 3 ईयर्स का ये कोर्स है यानी ग्रेजुएशन है। तो हम यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे आपकी एंट्री यहाँ हो चुकी है। इसी प्रकार से मैं यहाँ एंट्री करके डिलीट कर चुका हूँ टेस्टिंग के लिए, तो इस प्रकार से एंट्री नंबर 4 शो करा रहा है। अब बैक करते हैं तो डैशबोर्ड में दिखाएगा हमारे पास डिपार्टमेंट कितने हैं, 3 हैं। एंड स्टूडेंट्स में जब पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास डिपार्टमेंट 3 यहाँ पहुँच चुके होंगे, यानी ऑटोमेटिक ये टोटल वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से हम काम करेंगे। नेक्स्ट हमें टीचर ऐड करना है, तो टीचर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ क्लिक करके देखेंगे आप टीचर के नाम के लिए ये आ चुका है। तो मैंने यहाँ से ऐड कर दिया यहाँ से टीचर्स को। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ से क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया। तो मैं टोटली अभी पहले आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ, फिर हम इसे बनाना सिखाएंगे कि किस प्रकार से इसे बनाना है। तो मैंने यहाँ से कोविड डेट सेलेक्ट कर लिया फिलहाल समझाने के लिए, हम अभी फिलहाल टेस्टिंग मोड पर हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक करा कि ये कौन से डिपार्टमेंट के टीचर हैं, ये BSc के हैं, तो BSc कर लेंगे, और एड्रेस क्या है तो आप ये ले देंगे इस प्रकार से।
नेक्स्ट मैंने यहाँ से क्या किया, सेव पर क्लिक किया, तो आप यहाँ देखेंगे टीचर हमारा ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम और भी ऐड हमें करना है, तो हम यहाँ से इस प्रकार से ऐड करेंगे। मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। नेक्स्ट यहाँ से जो डेट ऑफ बर्थ है अब ये सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ हम कर लेते हैं अक्टूबर, एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ से दो कर दिया। नेक्स्ट यहाँ मैंने क्लिक किया तो नंबर यहाँ लिख देंगे, तो मैंने फिलहाल कोई नंबर एंटर कर दिया समझाने के लिए से। और यहाँ आप डिपार्टमेंट क्या है सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने BSc या BCA कर दिया, और एड्रेस क्या है ये भी आप दे देते हैं। सिंपली मैं इस तरह से ऐड करता हूँ, तो ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो टीचर्स हैं वो ऐड हो चुके हैं, और इस प्रकार से नेक्स्ट हमारी एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हम आगे देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को ऐड करना, तो यहाँ ऐड करना आप मैंने बताया जस्ट अभी, डिपार्टमेंट हमारा ऐड करना आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फीस के लिए, तो हमें क्या करना है, नंबर जो 9 और 10 हैं इनकी फ़ीस सबमिट करनी है। तो आप 9 पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ एंट्री आ जाएगी, और आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके नाम की एंट्री यहाँ हो जाएगी। ये एडिटेबल नहीं है क्योंकि हमें इसे ब्लॉक कर रखा है। अब इसने कितने रुपए फ़ीस जमा करी है, तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट को सिलेक्ट करिए। तो मैंने यहाँ से फिलहाल मैं सिलेक्ट करता हूँ 10 मार्च का, या फिर यहाँ से अपना लिखा कि कितनी फ़ीस जमा कर दी, तो मैंने यहाँ करा इसका 50,000 इसने पे कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो अमाउंट हो चुकी है, तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड में मैसेज दिखाएगा कि आपका 1,50,000 जो फीस है वो कलेक्टेड हो चुकी है। टीचर्स हमारे पास 3 हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास 4 हैं, डिपार्टमेंट हमारे पास 3 हैं। तो ये टोटली हमारा, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो लॉगआउट हो जाएगा, फिर हमें लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो हम यहाँ से इस तरह से लॉगिन करेंगे। टोटली हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये क्रिएट जो हुआ है, तो आप ये सीखेंगे कैसे हमें इसे क्रिएट करना है। तो आप टोटली आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काम करना है। अगर हम नो ड्यू लिस्ट देख रहे हैं तो ये दिखा रहा है ये है, और नेक्स्ट हमें रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश, तो यहाँ क्लिक करके रिफ्रेश कर लेंगे, तो हमारे फाइनली काम कर रहा है। अगर आप ये टीचर्स पे लिखे हुए क्लिक करते हैं तो भी ये काम करेगा, और अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं फ़ोटो पर तो भी ये काम करेगा। तो सारा जो सिस्टम है हमने ये रेडी कर रखा है, तो टोटली आपका ये काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं कि कैसे हम इसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के पहले आप ये समझेंगे कि हमने इसे किस में बनाया है। हमने जो बनाया है इसे विजुअल स्टूडियो 2015 कम्युनिटी वर्जन में बनाया है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसे क्लोज़ करते हैं और हम शुरू करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को। तो मैंने यहाँ सर्च करा आपका विजुअल स्टूडियो 2015, तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ पहले। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से लिंक को। तो मैंने यहाँ से क्लिक करा, हमारा जो वर्जन है कौन सा है, विजुअल स्टूडियो 2015 वर्जन है, और वो भी कम्युनिटी। तो ये प्लस इसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, कंट्रोल पैनल में आपको दिखाता हूँ, हमारे पास इसका सर्वर होता है, तो वो भी मेरे पास ऑलरेडी है। तो आप देखेंगे हमारे पास MySQL सर्वर होगा, या SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हमारा है 15 के लिए, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डाटा टूल विजुअल स्टूडियो 2015। और नेक्स्ट हमने जो इंस्टॉल किया है स्टूडियो, तो वो हमारा ये है 15 वाला। तो मैं टोटली ये दोनों रन कर चुका हूँ। आपको दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे ये करना है। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आप आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को पहले रिसीव कर लें। तो मैं शुरू करता हूँ बनाना, तो आप यहाँ से करेंगे स्टूडियो को रन, और मैंने इसे यहाँ से रन कर दिया, आई मीन स्टार्ट हो चुका है। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके हमें कहाँ क्लिक करना है, तो हमें विजुअल बेसिक पर क्लिक करना है, और अब विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसका नाम हम देंगे जिस नाम से हम इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। तो हमने नाम इसका दिया कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान रहे हमने कहाँ क्लिक कराया है, विजुअल बेसिक पर क्लिक कराया है और विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पर क्लिक कराया है। और हमारे सॉफ्टवेयर में जो नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट है वो 4.5.2 है। तो आपको कौन सा वाला करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल यही किया है क्योंकि हमारे में डिफ़ॉल्ट ये हो रखा है, आपको यही रहने देना है। आपके सॉफ्टवेयर का नाम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, आपको लास्ट में 1.0, 2.0 या कॉमा कुछ नहीं लगाना है। एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको एंटर करना है। और यहाँ हमारा ऑलरेडी क्लिक था ही, तो यहाँ क्लिक करके अब नया क्लिक किया, नेक्स्ट हमें यहाँ पे नाम एंटर कर दिया। अब ये दिखा रहा है कि इसका जो नाम है सॉफ्टवेयर जो हमारा जाया गया वो कहाँ जाएगा, सी में, यूज़र में, श्री बालाजी में, और डॉक्यूमेंट्स में विजुअल स्टूडियो 2015 एंड प्रोजेक्ट में ये फाइल हमारी क्रिएट होगी। इस नाम को नहीं छेड़ना है आपको, सिर्फ यहाँ तक ही लिखना था, बाकी ये खुद अपने आप करेगा। तो हमें यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने का आप देखेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो चुका है कम्प्लीटली। हमें यहाँ डिजाइन करना है, तो हम पहले बनाएंगे स्प्लैश जो हमारा रनिंग फेज होता है। तो यहाँ पर अभी क्या कर रहा है,
टूल बॉक्स को ऐड कर रहा है। इसके लिए आपके पास सिस्टम में कम से कम 4 GB रैम तो होनी ही चाहिए। तो हमें क्या करना है, पहले इस प्लस जो मेन पेज था वो बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अपने अकॉर्डिंग लार्ज कर लेते हैं फॉर्म को, और यहाँ जो नाम दिखा रहा है इसका नाम मिटा कर हम ले देंगे कि इसका नाम क्या है, स्प्लैस। स्प्लैस हमने नाम दिया जो हमारा स्टार्टिंग फेज था जो कि आपने देखा था। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करके इसका जो नाम है यहाँ जो दिखा रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करके और रिनेम कर देना है। रिनेम करेंगे तो यहाँ ले देंगे हम स्प्लैस फिर से। तो मैंने यहाँ से इसको नाम स्प्लैस कर दिया। एंटर करते ही एक मैसेज आएगा तो हम यहाँ पर यस करेंगे, हमें यहाँ से यस कर देना है। तो मैंने इसे यहाँ से यस कर दिया। कुछ इस प्रकार से हमारा जो नाम है स्प्लैश यहाँ से बदल चुका है, यहाँ भी बदल चुका है। तो हमें यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। तो मैंने इसका सबसे पहले जो साइज़ है वो फ़ॉन्ट क्लिक करके और यहाँ से इसका जो नाम है वो आप चेंज कर लेंगे। तो मैंने फ़िलहाल फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से ये सेलेक्ट किया। तो आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, इनमें से कोई सब यूज़ कर सकते हैं। मैंने 12 का इसका साइज़ किया, ओके करते हैं। हमारा फॉर्म इस प्रकार से हो गया। तो हमें इसे इसका जो साइज़ है ये भी सेट करना है। तो हम कहाँ से देखेंगे, तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखेंगे यहाँ लिखा हुआ हमारा साइज़। तो यहाँ हमें साइज़ डिफ़ॉल्ट करना है कि हमें कितने बाई कितने का पेज क्रिएट करना है। तो मुझे 800 बाय 500 का पेज करना है। तो यहाँ क्लिक करके हमने जैसे ही सेलेक्ट कर लिया। आपको अगर एक्स्ट्रा करना है अपने हिसाब से तो आप कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इतना किया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखते हैं कि मुझे यहाँ से अभी इसका जो ऑप्शन है ये वाले हमें ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम स्क्रॉल अप करेंगे एंड देखेंगे हमारे पास फॉर्म बॉर्डर स्टाइल मिलेगा। ये रहा फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, यहाँ क्लिक करके हम करेंगे यहाँ से नन पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे आपका पेज इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम नीचे देखेंगे कि इसका जो साइज़ है डिक्रीज़ हो चुका होगा, तो हम इसे वापस ठीक करेंगे। तो मैंने ऐसे यहाँ से किया 900 एंड आपका या 800 करना है तो 800.600 या 500 मैंने इस तरह से एंटर किया। आपको अगर लगता है कि आप इसमें साइज़ को थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हैं तो 900 और 600 भी कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट वे हमने क्रिएट कर लिया। प्लस हमारी जो लोकेशन है वो स्टार्ट लोकेशन जो दिखा रहा है, सॉरी स्टार्ट पोजिशन, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। तो मुझे सेंटर स्क्रीन रखना है ताकि हमारा जो पेज है अगर डिफ़ॉल्ट रहता है तो आप देखेंगे जब रन होगा तो हमारा प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से जहाँ है उसी लोकेशन पर ही रन हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें रन करना है सेंटर द स्क्रीन। इसका मतलब क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेगा, जब हम इसको किसी को सेटअप बना के दे देंगे तो उसके लिए वो जब रन करेगा तो यहाँ पर सेंटर स्क्रीन करने के बाद हर कंप्यूटर में हमारा सॉफ्टवेयर स्क्रीन के सेंटर पेज पर खुल कर आएगा। इसके लिए हमने ऐसा पेज क्रिएट किया था। मैं यहाँ से इसे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट हम यहाँ से इसे क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर पेज में सबसे पहले इसका जो कलर है वो चेंज कर लेना। तो आपको अपने अकॉर्डिंग कलर कर लेना। तो मैंने यहाँ से स्क्रॉल अप एंड डाउन करके देखेंगे बैक कलर में लिखा हुआ था, आप यहाँ से करेंगे डार्क। मैंने जो कलर करना है वो कर लिया, आपको जो कलर करना है आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ऑरेंज कलर कर लिया, डार्क ऑरेंज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करके हमें यहाँ पर आइकन्स लेकर आने हैं। तो आइकन्स के लिए मैं ऑलरेडी हमारी जो पहली वीडियो है जिसमें हमने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था वहाँ मैं बता चुका हूँ कि कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लें, उसमें काफ़ी चीज़ें आपने सीखी हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कहाँ, टूल बॉक्स में, और यहाँ हम सर्च करेंगे लेवल। तो मैंने यहाँ से लेवल को सर्च किया, तो आप देख सकते हैं लेवल हमारा आ चुका है। ओनली लेवल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे डाउन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से जो इसे लिखा, तो मैंने यहाँ से लाने के बाद हमारा जो पॉइंट है ये नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा पॉइंट यहाँ आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ से पहले से क्लिक कर लेते हैं और इसका जो नाम है यहाँ बदल देंगे। इसका नाम हमारा है, ये दिखा रहा है लेवल 1। तो मैं इसका नाम चाहता हूँ कि हमारा नाम फ्रंट पर क्या रहेगा। तो मैं लिखा कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। एंटर कर दिया, आपका जो नाम है वो आपका इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुका है। लेकिन हमें क्या करना है, जो ये बार बार ए लिखा हुआ आ रहा है इसे मैं हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ क्लिक करके और वापस पॉइंटर पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। नेक्स्ट हमें जहाँ रखना है यहाँ रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर रखना था तो मैंने यहाँ रख लिया। इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसे यहाँ से पेस्ट करने अगर आप देखेंगे कि यहाँ नीचे रखने के बाद इसे यहाँ से और इसके ही नीचे। अच्छा, मैं पहले इसका जो साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमें 12 नहीं रखना है इसका साइज़, हमें लगभग 20 रखना है। तो ओके कर लेंगे, तो 20 पॉइंट हमारा ये आ चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका जो स्टाइल है वो थोड़ी बोल्ड रहे, तो ओके करेंगे बोल्ड पे यहाँ और ओके कर लेंगे। कहाँ से किया हमने, फॉन्ट के सामने क्लिक करके किया। नेक्स्ट मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसे ये भी करना है। तो मैं यहाँ क्लिक करके इसका साइज़ 20 एंड बोल्ड करके ओके कर देंगे। बट हमें इसका जो नाम है वो बदलना है, तो मैं यहाँ से बदलता हूँ। नाम बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ करना होगा जहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट और यहाँ से इसे मिटा के इसका नाम बदल देंगे कि हम पावर्ड बाय
स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजी, मैंने ये नाम यहाँ से एंटर कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर एक तो पिक्चर बॉक्स लेकर आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टूल बॉक्स पर ही जाएंगे और यहाँ हम सर्च करेंगे पिक्चर बॉक्स, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ हमारी पिक्चर बॉक्स आ जाएगी। लेकिन हमें इसे थोड़ा सा इनक्रीज़ कर लेना है और यहाँ हमें क्या करना है, हमें उसके लिए पिक्चर बॉक्स डाउनलोड लगानी है, पिक्चर सॉरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करके और नेक्स्ट हम अपने नेट से डाउनलोड कर लेंगे आइकन्स को। तो मैंने यहाँ से कंटिन्यू करके और ये मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, तो आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैंने यहाँ से क्या करा, फ्लैट आइकन सर्च कर लिया, फ्लैट आइकन आपका डॉट कॉम पहले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लिखना है कि अगर आपको स्कूल का लोगो निकालना है, कॉलेज का लोगो निकालना है, तो आप यहाँ सर्च करेंगे। मैंने लिखा सर कॉलेज, आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखें कि हमारा जो लोगो है इस प्रकार से बहुत सारे आ जाएंगे। हमें ग्रेडियंट पर क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से हमारे लोगो चेंज हो जाएंगे। तो आपको जो डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड यहाँ से फ्री पर क्लिक करके डाउनलोड कर लिया। तो जैसे जैसे हमें आइकन्स की जरूरत पड़ेगी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, तो इसलिए मैं इसको क्लोज ना करके मिनिमाइज कर लेता हूँ। और यहाँ हम पहुँचेंगे अपने यहाँ सॉफ्टवेयर में, यहाँ क्लिक करके हमें क्लिक करना है इस डॉट पे एंड नेक्स्ट क्लिक करना है चूज इमेज पे, और यहाँ क्लिक करना है आपको लोकल रिसोर्स पे, और आपको यहाँ क्लिक करना है इम्पोर्ट पे। तो आप यहाँ से डाउनलोड में जो हमने अभी डाउनलोड किया है स्कूल वाला लोगो, तो आप यहाँ देख सकते हैं लार्ज आइकन करके, तो आप यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आप ओके करेंगे। तो यहाँ हमें क्लिक करना है नॉर्मल पे और यहाँ हमें जूम करना है, तो इस प्रकार से हमारा जो आइकन है वो शो करा देगा। अगर आपको ये इंक्रीज़ करना है तो आप अपने हिसाब से इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने इस प्रकार से इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया। नेक्स्ट हमें इसे सेंटर रखना, तो सेंटर में देख लेंगे कि कहाँ हमारा सेंटर में ये बैठेगा। नेक्स्ट इसे हम यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में इन्हें कर लेते हैं। और हमें क्या करना है, इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, तो हम यहाँ से पहले जाते हैं कि हमारा प्रोग्रेस बार ऑप्शन आए, तो हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और टूल बॉक्स में हम लिखेंगे प्रोग्रेस बार। लेकिन हमें प्रोग्रेस बार लेने से पहले देखना है कि प्रोग्रेस बार हमारे पास कौन सा वाला होना चाहिए। तो हमारे पास वो जो एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क होते हैं वो हमारे पास नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड करे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास डाउनलोड में डाटा में है हमारा, ये गोना और आपका बुनीफू दोनों मिल जाएंगे, तो आपको मैं सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ क्लिक करा आपके स्टूडियो में और नेक्स्ट यहाँ क्लिक करा टूल में। यहाँ मैंने सबको ऑल को हाइड करके और यहाँ क्लिक करा कहाँ जनरल पे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके और हम करेंगे क्या, ऐड न्यू टैब पे क्लिक कर देंगे। ऐड टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका जो नाम है हमें इसका नाम दे देना है गोना, क्योंकि गोना क्या है, अलग से इंटरफेस है एडिशनल फीचर्स को ऐड करने के लिए और लुक को थोड़ा सा बेहतरीन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे फिर से, अगेन मैं करूँगा इसे ऐड टैब और इसका नाम मैंने दिया बुनीफू। तो इसके नाम ही कुछ ऐसे हैं, तो आपको यही नाम रखना है, तो एंटर कर देना है। नेक्स्ट आपको गुना के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से चूज आइटम पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है यहाँ पर लोडिंग लेगा और आगे इस तरह से जैसे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ क्लिक करना है ब्राउज पे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना होगा, तो हम यहाँ से क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ जब हम फर्स्ट टाइम ब्राउज़ करते हैं तो यहाँ ये लोडिंग लेता है, वरना हम जब सेकंड टाइम करते हैं तो ये लोडिंग नहीं लेता है बिल्कुल भी। तो ये जब फाइनली हमारा ओपन हो जाएगा तो देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टाइम एंटर करेंगे इसलिए आगे बढ़ेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। ये फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, एक मिनट या दो मिनट लग सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे ब्राउज पे और आप यहाँ डाउनलोड में जो हमारा डाटा है और हमें ऐड करना है गोना वाला, तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे गोना डॉट यू डॉट ड्रिल फाइल आपकी, तो ओपन करके यहाँ को ओके कर देना। ओके करते ही आप देखेंगे कि हमारे जो टूल्स वगैरह हैं सारे ऐड हो जाएंगे। जस्ट ओके करते ही हमारे टूल्स सारे इसके ऐड हो चुके हैं गोना के एडिशनल पॉइंट। अब बुनीफू को भी ऐसे ऐड करेंगे तो राइट क्लिक करके इसके ऊपर हम करेंगे ऐसे चूज आइटम पे। नेक्स्ट हम ऐसे करेंगे ब्राउज और यहाँ से हमारी जो फाइल है डाउनलोड में ऑलरेडी पड़ी हुई है डाटा में, और बुनीफू ओपन कर लेंगे, आपकी ये फाइल भी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमें यहाँ से क्या करना है, ओके कर देना है, तो हमारा ये पेज ये भी रेडी हो चुका है। हमें यहाँ पर लाना था दरअसल आपका क्या नाम है प्रोग्रेस बार, तो मैंने यहाँ से सर्च किया प्रोग्रेस बार, तो देखेंगे यहाँ पर प्रोग्रेस बार हमारे कई सारे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है इस गुना प्रोग्रेस बार पे और यहाँ क्लिक करके छोड़ देना है इसको। तो यहाँ कुछ मांग रहा है एक्टिवेशन कोड हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस पर क्लोज पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा।
नेक्स्ट मुझे इसे यहाँ से अपने हिसाब से जहाँ रखना है यहाँ रख सकते हैं, तो मैंने इसे यहाँ से इस तरह से रख दिया है। और आप देखेंगे कि हाँ मैंने इसको रखने के बाद अपने हिसाब से जितना छोटा करना था उतना आप छोटा कर लेंगे, और स्क्रॉल डाउन करके या आप एरो का इस्तेमाल करके इसे थोड़ा नीचे रख लेंगे। इसके हमें क्या करना है कि जो कोने हैं वो थोड़े राउंडेड टाइप का करने हैं, तो उसके लिए हम नीचे जाएंगे और हमारे यहाँ पर होगा रेडियस, तो हमें रेडियस पर क्लिक करना होगा। आपका दिखा रहा है यहाँ पर रेडियस का ऑप्शन ये आ रहा है, तो इस रेडियस पर हम क्या करेंगे, या हमारा दिखा रहा होगा यहाँ पर एक ऑप्शन और ये होगा, तो हम यहाँ से देखेंगे कि पहले मैं देखता हूँ यहाँ से क्लिक करके मैं इसका 0.4 एंटर किया, तो आप देखेंगे कि 4 क्लिक करके आपके इसके जो कोने हैं राउंडेड हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम इसे यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट मुझे इस यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जितना रखना है यहाँ से रख सकते हैं। इस प्रकार से मैं इसको छोड़ दिया, और आप इसे लेफ़्ट राइट डाउन करके इसका इस्तेमाल करके आप इसे यहाँ से जहाँ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैंने इसे यहाँ लास्ट तक फिनिश कर लिया। ओके करके आपको क्या करना है, इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे बाद में, फ़िलहाल आते हैं हम आगे बढ़ने की तरफ। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इसे हम यहीं पर हम पेस्ट कर लेंगे और प्लस इसे उठा के यहाँ रख लेंगे। कुछ इस प्रकार से मैंने इसे रख लिया, इस पर क्लिक करेंगे और हमें क्या करना है यहाँ से इसको जो नाम है वो चेंज कर देना है, ताकि यहाँ पर दिखाए कि लोडिंग एप्लीकेशन या लोडिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से लिखा लोडिंग एप्लीकेशन, डॉट लगा देंगे एक दो बार, तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपका जो नाम है इस प्रकार से एडिट हो जाएगा। लेकिन हमें इसका जो साइज़ है थोड़ा सा कम करना है, तो साइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट के सामने क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके 3 डॉट पे, और आपको यहाँ से इसका जो साइज़ है थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देना है अपने अकॉर्डिंग। तो ओके करके यहाँ से हम इस प्रकार से छोटा कर लेंगे। आपको अपने हिसाब से जहाँ रखना है आप रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके रख लिया है। तो देखेंगे स्टार्ट करने पर हमारा प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से रन होकर आएगा, ये आ गया। लेकिन अभी हमारे रनिंग में नहीं होगा, कुछ कारण क्या है कि हमने इसकी कोडिंग की नहीं है। कोडिंग करने से पहले हम यहाँ और बहुत सी चीज़ें बनाएंगे, तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ, और स्टॉप करके आपको इनका जो सिस्टम है थोड़ा आगे पीछे जो करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा हल्का से इधर करके ओके कर दिया है इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारा ये पेज तो रेडी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो प्रोग्रेस बार है यहाँ पर इसका नाम अब इसे चेंज करते हैं, तो हम इसका नाम करते हैं माई प्रोग्रेस बार या फिर ओनली प्रोग्रेस बार। कोडिंग में हम जो करेंगे तो हमारा ये नाम शो कराता है प्रोग्रेस बार वन, ये जो भी नाम होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। प्लस इसका जो कलर है हम चाहते हैं कि इसका कलर जो है यहाँ पर इसमें ही मिक्स हो जाए, तो मैंने यहाँ से इसके लिए क्या किया डार्क ऑरेंज कर दिया, क्योंकि जब इसे हम रन करेंगे तो तब तो ये दिखेगा नहीं, और जब हम रन कर देंगे तो ये कलर अलग से दिखेगा। आपको उसका कलर कैसा करना है, वाइट रखना है तो आप यहाँ से वाइट भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ से वाइट कर दिया, तो यहाँ मैं इसे वाइट करता हूँ। तो ये कब शो कराएगा, जब हम इसे आगे रन करेंगे तब, उसके लिए मैं यहाँ से ओके करता हूँ। नेक्स्ट हमारा ये डन हो चुका है, तो हमें क्या करना है, ये रेफरेंस पर क्लिक करके इन ऑप्शंस को हाइड कर देना है, और कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ऐड क्लिक करके यहाँ आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ आपको जाना है कहाँ, विंडो फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ हम बात करेंगे डिजाइन पेज की, तो हम यहाँ से ऐड करेंगे डिजाइन पेज के लिए, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ ले दूँगा इसका नाम लॉग इन पेज डिजाइन करना है, लॉग इन के लिए ओके कर दिया। सेम हमें क्या करना है, इसके जो ऑप्शन हमने यहाँ दिए थे इसका साइज़ हमने कितना रखा था आपने देखा होगा यहाँ से, तो स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे कि हमारा जो साइज़ इसका 900 बाय 600 था, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप इस यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसका जो साइज़ है पहले यहाँ ऑप्शन हमारे दिखा रहा था, यहाँ से क्लिक करके सेंटर स्क्रीन करेंगे, ऊपर से हमारे पास ऑप्शन जो हैं जैसे आपका यहाँ पर फॉर्म बॉर्डर स्टाइल है, तो यहाँ से नन करेंगे, और नेक्स्ट हमारा यहाँ क्लिक करके इसका जो साइज़ है एटलीस्ट हम 12 तो रखेंगे, तो यहाँ इसका नाम हम लोग सीधा कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ से ओके करके और इसे बोल्ड करना तो बोल्ड कर देंगे, लेकिन मैंने फिलहाल ऐसे रहने दिया। लेकिन इसका जो साइज़ है हमारा अभी काफ़ी कम है, तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे डाउन करके यहाँ से आएंगे और यहाँ साइज़ लिखा हुआ जहाँ आपका साइज़ है यहाँ पेस्ट करके एंटर करेंगे, तो सेम साइज़ हमारा ये रेडी हो जाएगा। प्लस हमारा जो ये पेज है ये इक्वल तो हो चुका है, बट हमें यहाँ इसका जो कलर है वो प्योर वाइट करना है, तो उसके लिए हम करेंगे जहाँ कलर लिखा हुआ बैक कलर, तो यहाँ क्लिक करके इस पर और यहाँ ले देंगे वाइट, तो हल्का सा इफेक्ट यहाँ पर लगाएगा, तो ओके करके मैंने इस तरह से कर दिया। नेक्स्ट हमें यहाँ जो लॉगिन पेज है वो डिजाइन करना है, तो हम लॉगिन पेज को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं बनाता हूँ लॉगिन पेज को, तो उसके लिए हमें आ जाते हैं और मुझे यहाँ से लॉगिन पेज डिजाइन करना है। इससे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ क्लिक करके जो कॉलेज का नाम लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेंगे, और सेम कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट कर लेंगे जहाँ हमें रखना है। मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है, तो मैंने यहाँ इस तरह से इसे एंटर कर दिया।
नेक्स्ट हमें यहाँ से क्लिक करके इसको नाम को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, तो मैंने कॉपी करके और फिर से पेस्ट किया, तो आप यहाँ से रख लेंगे जहाँ आप रखना चाहते हैं। मैं इसका नाम दिया यहाँ से यूज़र लॉगिन, तो मैं यहाँ से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से मिटा के ले देंगे इसका नाम यूज़र लॉगिन। नेक्स्ट हम यहाँ से इसको जो साइज़ है थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे ज़्यादा पॉइंट होने की वजह से, तो हम यहाँ से फॉन्ट के सामने जाएंगे और वापस इसका जो पॉइंट है लगभग 16 कर देंगे या हल्का सा कम कर देंगे। तो ओके करके देखेंगे, इस प्रकार से छोटा कर दिया हमें। हमें यहाँ पर क्या करना है, तो पिक लगानी है, तो हम यहाँ से पहले सर्च करते हैं कहाँ फ्लैट आइकन में, तो हमें जो पिक निकालनी है वो स्टूडेंट की निकालनी है, तो मैंने यहाँ से स्टूडेंट को सर्च किया। तो आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ से सर्च पर क्लिक करना है, सर्च पे या फिर सर्च बार में जब हमारे ऑप्शन आएगा तब ये सर्च हो जाएगा खुद ही। अब यहाँ आपको जिस टाइप का स्टूडेंट्स को ऐड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे। तो माना मुझे कोई आइकन ऐसे निकालना है या मैं निकाल चुका हूँ तो मैं वही लगा लूँगा, तो मेरे पास ऑलरेडी आइकन्स मेरे पास हैं जो डाउनलोड कर रखे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं और वापस यहाँ जाते हैं। तो इस प्लेस में हमने जो पेज बनाया इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके हम इसे पेस्ट कर लेंगे। जब पेस्ट करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है यहाँ फ़ोटो सही से हमारा आ चुका है, इसे छोटा करके रखेंगे और यहाँ क्लिक करके इसका जो आइकन है वो यहाँ क्लिक करके वापस यहाँ क्लिक करेंगे, क्लियर पर क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे और आप यहाँ से जो डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं तो आप यहाँ से इन्हें ब्राउज कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे हम पैनल। पैनल को अलग से ग्रुप का इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पैनल हमारे पास आ चुका है, यहाँ क्लिक करके इसे छोड़ देना है। नेक्स्ट इस यहाँ से अपने पास जहाँ हमें हम हरा सकते हैं इस प्रकार से, और इसे इस प्रकार से छोटा करके हम इसे ऐसे रख देंगे। इसका जो कलर है हम यहाँ से क्लिक करके इसका कलर ब्लैक जो हो रखा है वो वाइट है, हम फिलहाल जो कलर करना कर सकते हैं, हमने एंटर किया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको यहाँ पर एक ऑप्शन ओनली करना है, तो मैं कॉपी करके इसी को ही यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ ऐसे रख लेंगे लेकिन थोड़ा सा छोटा करके रख लेंगे। अब आपको यहाँ क्या करना है, अपने कॉलेज की जो लोगो है इमेज है यहाँ लगा सकते हैं, तो क्लिक करके कॉर्नर पे और सेम यहाँ क्लिक करेंगे और क्लियर क्लिक करके आपको इम्पोर्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से जो आपके स्कूल की इमेज है यानी लोगो जो है आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से फिलहाल इस पर क्लिक करके या फिर जो मेरे पास आइकन है अभी मैंने डाउनलोड भी किया है तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और ओके कर लेते हैं, ये हमारा आइकन आ चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद इसे यहाँ से जहाँ रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा लॉगिन सिस्टम के लिए तो एक तो पहले हमारा टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, तो हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे और टेक्स्ट बॉक्स पर लिख के हम यहाँ से ओके कर देंगे, तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है ये आ चुका है। बट हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है कुछ इस प्रकार से आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करके और यहाँ इसका जो फॉन्ट साइज है ठीक है पर हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें, तो बोल्ड पर क्लिक करके ओके कर देंगे। नेक्स्ट इसके जो चारों तरफ की आउटलाइन हैं वो शो नहीं करा रही हैं, तो यहाँ क्लिक करके क्या करेंगे, फिक्स 3D के सामने फिक्स सिंगल कर देंगे, तो आपके जो लाइनें हैं वो आ जाएंगी। आपको थोड़ा सा इसका पॉइंट एक्स्ट्रा करना है तो आप यहाँ से अपने इसको साइज़ को बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट के साइज़ को। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, अगेन मैंने यहाँ से इसे पेस्ट कर लिया, तो आप यहाँ से रख लेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा लॉगिन करने के लिए एक सामने लिखा हुआ हो यूज़र नेम एंड पासवर्ड, या फिर हमारा सामने एक आइकन बने हुए होने चाहिए इसके, तो उसके लिए हम इस पिक्चर बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे और यहाँ हम पेस्ट कर लेंगे सिर्फ फिर से। इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे अपने अकॉर्डिंग जितना करना है और उठा के यहाँ रख लेते हैं इसके सामने, बट इसके सामने हमें प्रॉपर जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लिया। इस प्रकार से थोड़ा सा आप इसे बढ़ा सकते हैं, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया। नेक्स्ट हमें यहाँ से इस पर कॉर्नर पर क्लिक करना है और चूज इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लियर करके इंपोर्ट कर लेंगे जो हमें लगाना है। तो डाउनलोड में ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे लगाना है यूज़र नेम के लिए, तो मैंने यहाँ से यूज़र नेम के लिए हमारा कौन सा रहेगा वो यहाँ लगा देंगे हम यूज़र के लिए, ये रहा यूज़र का, ओपन कर लेंगे। ओके करके हमारा आइकन यहाँ लग चुका है लॉगिन सिस्टम के सामने। यहाँ इसी को सेम कॉपी मैंने किया एंड अगेन मैंने पेस्ट करके इसके सामने ही यहाँ रख दिया, तो इसे हम अपने अकॉर्डिंग जहाँ रखना चाहते हैं ऐसे इसे भी सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ से इस तरह से ऐसा रख दिया, यहाँ क्लिक करके इसके कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ चूज इमेज पर क्लिक करके क्लियर करके इंपोर्ट करेंगे पासवर्ड को। तो मैंने ऐसे सर यहाँ से हम पासवर्ड वाला सिस्टम को ले आते हैं, तो ओके कर लेते हैं। ओके करके हम ऐसे ओके करेंगे, सेम आपका ये सिस्टम यहाँ आ जाएगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, फिर से कुछ ऑप्शंस को लेकर आना है, तो हम यहाँ करेंगे टूल बॉक्स में और यहाँ सर्च करेंगे हम थिन बटन, तो उसके लिए मैंने यहाँ से लिखा थिन
बटन, तो इसका पूरा नाम बोनीफो थिन बटन है। तो मैंने यहाँ क्लिक करा और आपका जो बटन है ये आ चुका है। अब बटन के बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ से रखने के बाद इसका जो नाम है पहले तो चेंज करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करने का, आप देखेंगे इसका नाम है दिखा रहे, तो ये बोनीफो, बट ये इसके कोडिंग वाला नाम है तो इसमें ये भी बदलना पड़ेगा। तो मैंने BTN लॉगिन कर दिया, तो एंटर करके इसे यहाँ से फिनिश कर देंगे। यहाँ नेक्स्ट क्लिक करके आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको यहाँ आना है, तो यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ थिन बटन, यहाँ से मिटा के हम कर देंगे लॉगिन ओनली लॉगिन, एंटर करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, कॉपी करके इसको यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया, इसका नाम हम रख देंगे, इसका नाम हमने किया रीसेट, या फिर यहाँ क्लिक करके रख लेते हैं, इसका नाम हमने किया रीसेट। तो मैंने ऐसे इसका नाम रीसेट एंटर कर दिया। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक फ़ोटो आए, तो उसके लिए मैं क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हम पेस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो नेक्स्ट आपको यहाँ से क्लिक करके इसको रख लेना है और यहाँ क्लिक करके इसके कोने पर, और आपको यहाँ क्लिक करके सेम आपको इमेज लगानी है रिलोड की, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला लगाना चाहते हैं तो, और ये फिर आपको जो लगाना है ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर से मैंने इसको, या फिर हमारा जो स्प्लैश है यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया, तो मैंने ये चाहिए था इसलिए मैंने ऐसा किया, तो हमारा इस प्रकार से नाम यहाँ आ चुका है। तो टोटली हमारा ये यहाँ तक तो रेडी हो चुका है, बट हम आगे बढ़ेंगे कोडिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले हम कुछ पेज ऐड कर लेते हैं। जो लॉगिन बटन है इसे हमें थोड़ा सा और एडजस्ट करना है, तो इसके कलर्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे, तो मैं इसे सेट करता हूँ। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और जहाँ आपका दिखा रहा है ये आपका है सी ग्रीन, तो मैं यहाँ से कर लूँगा इसका वाइट कलर। लेकिन हमें इसके अंदर का जो कलर है वो चेंज करना है, जहाँ आपका वाइट शो करा रहा होगा, तो जहाँ वाइट शो करा रहा है ये हमारा वाइट कलर है, तो मैंने ऐसे इसको मिटा कर वाइट की जगह डार्क ऑरेंज किया, देखते हैं तो यह हो गया। इस प्रकार से इसमें जो लिखा हुआ है वो दरअसल आपका अलग है, तो मैं यहाँ से इसका लिखा लिए कलर्स का वाइट तो रखेंगे, तो मैं यहाँ से इसको वाइट करता हूँ। तो यहाँ आपको जो दिखा रहा है मैं यहाँ से देखते हैं कंट्रोल करके, तो आप यहाँ से वाइट कर लेंगे। एक मिनट अभी मैं रन करता हूँ, तो आप देखेंगे रन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ हम कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और हम लॉगिन पे क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस किस प्रकार से आ रहा है, यानी यहाँ क्लिक करने पे वाइट हो जा रहा है, तो हमें वाइट नहीं करना है। स्टॉप करके हम वापस जाएंगे और जहाँ हमारा पेज था यहाँ क्लिक करके इसका जो कलर है जो यहाँ पर आपका है वो ये है पीछे वाले कलर, तो मैं यहाँ से इसका कलर कर दूँगा आपका ब्लू। और यहाँ वाइट ही रहेगा, बट यहाँ भी आप वाइट करेंगे, नेक्स्ट हमें यहाँ से दोबारा से इसका जो कलर है चेंज कर देना है। तो इस प्रकार से इसके कलर्स को हम चेंज कर रहे हैं, एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये जो ऊपर कलर दिखा रहा है ये भी हम बदलने हैं, तो यहाँ भी हम इसको ब्लू कर देंगे। तो आप जब इसे रन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम रन होने के बाद कुछ इस प्रकार से ब्लू कलर का शो कराएगा। बट मैं चाहता हूँ कि लॉगिन लिखा हुआ जो बटन है वो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो, मतलब थोड़ा बोल्ड हो। ऊपर से हमारा जो एडमिन सिस्टम है हम लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारा पासवर्ड भी यहाँ पर शो करा रहा है। हम चाहते नहीं कि हमारा जो पासवर्ड है वो भी शो कराए, इसके लिए हम क्या करना है, यहाँ से इसे स्टॉप करके वापस लौट के पहुँचते हैं। तो इसे क्लोज करके पहले यहाँ क्लिक करके इसका जो बोल्ड है इसे हम बोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ क्लिक करके हमें इसे यहाँ से बोल्ड कर लेना, कहाँ है हमारा ऑप्शन, फ्रंट के सामने, और यहाँ क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ क्लिक करके हम इसे बोल्ड करके ओके कर देंगे। तो हमारा ये इस प्रकार से आ चुका है। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा एक तो जो पासवर्ड है वो शो ना कराए, तो उसके लिए इस पर क्लिक करके सेकेंड यूज़र बॉक्स पे, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स पे, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तब देखेंगे हमें मिल जाएगा पासवर्ड कैरेक्टर, यहाँ लगा देंगे हम स्टार, एंटर करते हैं, देखेंगे कि जब स्टार्ट करेंगे हम तो हमारे प्रोग्राम में यूज़र नेम तो लिखा जाएगा बट जो पासवर्ड है वो लिखा हुआ नहीं आएगा, शो नहीं कराएगा। तो इस प्रकार से हमारा सिस्टम शो कराएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से इसे क्लोज करके यानी स्टॉप करके इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। हल्का सा मैंने इसे ऊपर किया और हल्का सा इधर मैंने इसको इसके पास
कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ से हम चाहते हैं कि जब हम रन करें तो रन होने के बाद हमारा जो सिस्टम है कुछ इस प्रकार शो कराए। तो हमारे यहाँ तक तो रन हो चुका है, बट अभी देखते हैं पंडा भी रन करके ये हमारा कम्प्लीटली शो करा रहा है। इनकी एक लाइनें कट जा रही हैं तो इसे स्टॉप करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लोज वाला ऑप्शन भी शो कराए। तो पहले यहाँ से स्टॉप कर लेते हैं और इसको हल्का सा इधर ही लेफ्ट साइड में हल्का सा कर लेते हैं। देखते हैं रन करके कि हमारा सही शो करा रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से हमने इसे सेटअप कर लिया। हम चाहते हैं इसके एंकर वगैरह सेटअप रहें तो बताएंगे कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ से स्टॉप करके इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। अगेन हमने इसे पेस्ट करके और यहाँ हम इसको सबसे कॉर्नर पे रखे और इसमें हम आइकन लगा देंगे इसका। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से क्लिक करके और इसके कॉर्नर पर क्लिक करके यहाँ, और यहाँ से हम करेंगे चूज इमेज और यहाँ क्लियर करके और क्लियर करके इम्पोर्ट करेंगे। तो हमारा जो क्लोज वाला ऑप्शन है ये वाला है, तो हम ये लगा देंगे। और हमारे पास कोई और है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल ये क्लिक करके ओपन करके ओके करा, देखेंगे हमारा आइकन ही लग चुका है। स्टार्ट करेंगे तो इस प्रकार से हमारा आइकन शो कराएगा। अगर आप इसके ऊपर भी कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ ऐसे क्लोज करके, और इस क्लोज करने के लिए हमें अभी कमांड नहीं लगाते, इसे स्टॉप करेंगे यहाँ से फाइनली। और आप देखेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ही कर देता हूँ एडजस्ट, और नेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ से हम लिख लेंगे लॉगिन पैनल। मैं इसका नाम दे दिया लॉगिन पैनल। ये हमारा आ चुका है, मैंने यहाँ से यहीं पर आपका इस प्रकार से रख दिया। लेकिन हम चाहते हैं इसका जो साइज़ है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए, तो मैं इन दोनों का जो साइज़ है वो तो थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ। तो मैं क्लिक करके यहाँ से फॉन्ट के सामने और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ हम इसे साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे और ओके करके वापस आ जाएंगे। ज़्यादा छोटा हो चुका है, आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करें तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। तो मैंने इसको 14 करके ओके कर दिया। नेक्स्ट इसे हम यहाँ से थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो मैंने इस प्रकार से इसे आगे किया, और आपको भी अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है। रन करके हम देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से शो कर रहा है। तो अभी लॉगिन पैनल जो है हमारा सेंटर में नहीं आ रहा था, इसे सेंटर में लाना है। तो यहाँ से इसे स्टॉप कर लेते हैं, और मैं इसे सेंटर में आने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ से राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जब राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन हमारा आएगा ऐड का, और यहाँ से करेंगे हम ऐड विंडो फॉर्म पे। यहाँ हम इसका नाम रखेंगे, हम चाहते क्या हैं कि हमारे पास स्टूडेंट या डैशबोर्ड या फिर डिपार्टमेंट। तो मैं इसका नाम दिया डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में मैंने इसको डिपार्टमेंट्स कर दिया और ओके करेंगे। ऐड करते देखेंगे हमारा जो डिपार्टमेंट का पेज है यहाँ आ चुका है। इसको भी सेम हम यहाँ से फॉलो करेंगे जो अब तक हम बता रहे थे। तो यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ क्लिक करके करना क्लिक, और यहाँ से आपको 12 साइज़ करके ओके कर देना है। और प्लस नेक्स्ट हमें यहाँ से इसका जो साइज़ तो करना ही था, लेकिन हमें इसका नाम भी बदलना था। तो मैंने इसका नाम अभी सही चेंज कर दिया, कारण ये कि हम अगली बार कुछ इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।